चैनल में आपका स्वागत है। समाचार में बात करें तो सपा के बागी नेता प्रत्याशी प्रदीप यादव ने निर्दल नामांकन दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश के जनपद के देवरिया के रुद्रपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने प्रदीप यादव को रुद्रपुर विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित किया था। प्रदीप यादव को प्रत्याशी घोषित हुए 50 घंटा भी नहीं हुआ था कि समाजवादी पार्टी ने प्रदीप यादव से टिकट वापस ले लिया और राम भुवाल निषाद को अपना प्रत्याशी बना दिया। वहीं राम भुवाल निषाद को प्रत्याशी घोषित होने के बाद शुक्रवार को सताती के ग्राउंड में प्रदीप यादव को चाहने वालों ने राम भुवाल निषाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। इसी क्रम में प्रदीप यादव ने शुक्रवार को निर्दल अपना नामांकन दाखिल किया और नामांकन दाखिल करके सताती के ग्राउंड में पहुंचे। प्रदीप यादव ने रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन को देख कर भावुक हो गए और रोने लगे। प्रदीप यादव ने कहा कि अगर अखिलेश यादव को मेरा टिकट काटना ही था तो मुझे टिकट क्यों दिया है। मैं अखिलेश यादव को अपना भगवान मानता था। मुझे अखिलेश यादव से कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राम भुवाल निषाद को टिकट क्यों दिया। मैं लगातार 20 सालों से रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता का सेवा किया है और जनता मेरे साथ है। मुझे पूरा भरोसा है कि जनता मुझे निर्दल चुनाव जीतने का कार्य करेगी और अखिलेश यादव की आग से काला पट्टी हटाने का कार्य करेगी। आपको दिया गया है, इस पे आपको क्या कहना है? अब क्या बचा है? अखिलेश यादव के नेतृत्व में काम 20 साल से कर रहा हूँ। 2014 में मेरा लड़का नदी में डूब के मर गया, गोरख पासवान के जल उसमें मैं घूम रहा था। उसके बाद 2017 में टिकट दिए 10 महीना हमको दौड़ा के और कहे कि प्रदीप मान जाओ। राहुल प्रियंका जी मान नहीं रहे, बड़ा नेता है अखिलेश प्रताप सिंह, तुम मान जाओ, मेरे भाई हो छोटे। मैं मान गया, कहा ठीक है भैया, कहा ना 22 में लड़ा दूंगा। 22 में कहा लड़ाने के लिए, 5 साल मैं दौड़ता रहा, कहा ठीक है तुमको लड़ाऊंगा। टिकट दिए, फिर मेरे में क्या कमी हो गई कि मेरा टिकट काट दिए। और एक चोर बदमाश आतंकवादी जिसके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं, 302 से लगाए 307 के, उसको टिकट दीजिए, दे दिए। मैं अब निर्दल चुनाव लड़ रहा हूँ, अब जनता हमको सिंबल देगी, जनता टिकट देगी और जनता बटन दबाएगी, वो तय करेगी कि रुद्रपुर का नेता प्रदीप यादव है किसान का बेटा, आखिर राम भुवाल चोर डाकू चिल्लू पार जो बाहरी नेता है वो है। बागी हो के आप चुनाव लड़ रहे हैं, चैलेंज नहीं है? अब चैलेंज कोई नहीं है, जनता का अपार समर्थन आप लोग देख लीजिए, मेरे साथ जनता है। हर जाति हर दल का गठबंधन टूट गया है, आज मेरे साथ जनता है। हर लोग एकदम लग गए हैं हर बूथ पे, हर गांव में। 20 साल से आपका राजनीतिक करियर रहा समाजवादी पार्टी का, हमारे टिकट नहीं मिला तो मन में कितना दुख है? अब ये दुख मैं क्या बताऊं, अब जनता बताएगी आपको। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, मैं भगवान के बाद अगर किसी को मानता था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मानता था। मैं कभी भी उनके खिलाफ नहीं गया, लेकिन आज मजबूरन हमारे साथ विश्वासघात हो गया। शरद करके लिए मेरा टिकट कटवा दिए, अब मैं जनता के अदालत में आऊंगा। अब जनता तय करेगी कि कौन जीतेगा, कौन बटन दबाएगा। हमें कोई वार्ता किसी से नहीं करनी है, हमारे अब राष्ट्रीय अध्यक्ष माई बाप हमारी जनता है, भगवान है, आप लोग हैं पत्रकार साथी। हमारी इन्हीं न्यूज चैनल ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना भूलना।